ये है दिल्ली दर्पण। साथ देंगे क्योंकि मैं मेरे से कोई किसी प्रकार से किसी को शिकायत नहीं है, सब आशीर्वाद दे रहे हैं, एक तरफा आशीर्वाद मिल रहा है, लोगों से मिल रहा है लगातार। हाँ, तो क्या क्या समस्या निकल के आ रही है इलाकों की? यहाँ सिर्फ सफाई, साफ सफाई की बात जो है वही एक समस्या आ रही है। सबसे अहम समस्या जो है साफ सफाई की, वो क्यों नहीं हो पा रही कि यहाँ का कोई पार्षद नहीं, इस कारण लोग परेशान है। पूरे दिल्ली के अंदर कूड़ा कूड़ा है, कूड़ा कूड़ा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनका ये कहना था कि यहाँ पर कोई निगम पार्षद नहीं है, इसलिए सफाई नहीं हो पा रही, साथ ही साथ लोगों को भी काफी अच्छा जो समर्थन मिल रहा है। मैम, क्या लगता है, आप पदयात्रा कर रहे हैं लगातार, लोग समर्थन दे रहे हैं? हाँ जी, लोग समर्थन दे रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल ले रहे हैं, बिल्कुल। बहुत खुश है लोग इनके यहाँ, आम आदमी पार्टी के काम से जनता बहुत खुश है। हाँ जी, इस बार लोग किन चीजों को देख के आप रामचंद्र जी को वोट देंगे? आम आदमी पार्टी को एक तरफा वोट मिल रही है। यहाँ पे बहुत टाइम के बाद में पानी की पाइपलाइन लगी है, इसके पानी से पानी आने की वजह से यहाँ की जनता बहुत खुश है। वो कहते हैं कि हमारे टैंकर आते थे कई बार, हमारे बोलने के बाद भी यहाँ पे पानी की सुविधा नहीं होती थी, और पानी इतना अच्छा आया कि हम लोग बहुत खुश है और आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे। हमारे रामचंद्र जी इतना पहले भी काम किए हैं, आज भी करने के लिए इच्छुक हैं। ये इतने 15 साल से MCD चुनाव में जो है BJP थी, लेकिन कोई हमारी बात सुनने के राजी नहीं था, इसलिए जो है आम आदमी पार्टी का हम समर्थन करते रहे हैं और वो हमारी बात सुनते भी हैं। BJP के ऑफिस में जाते हैं, कोई हमारी बात नहीं सुनते हैं, इसलिए उनके साथ रहना मैं उचित नहीं समझता हूँ। हाँ, क्या लगता है ये चुनाव है, ये चुनाव नहीं एक नाक का सवाल बन चुका, तो क्या है, क्या मुद्दे लेकर उतर रहे रामचंद्र जी? रामचंद्र जी ये लेके निकल रहे हैं कि सफाई वफाई सब कुछ होगी, होगी सफाई होगी और हो भी रही है अभी तक सफाई। जिस तरह से आपने देखा कि प्रत्याशी रामचंद्र जी की, उनका भी ये कहना है कि मैं आता हूँ, अगर निगम में इस चुनावों में जीतता हूँ तो यहाँ की साफ सफाई बहुत करवाएंगे। और साथ ही साथ जो कार्यकर्ता थे उनका भी ये कहना है कि लोगों का समर्थन मिल ही रहा है, साथ ही साथ इस बार आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीत के दिखाएगी। अब ऐसे ही देखते हैं कि 3 तारीख को क्या नतीजा आता है और कौन जीतता है। कैमरा योगेंद्र के साथ मैं शिवानी बोलता हूं दिल्ली दर्पण टीम। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर